फुल सब्ट्रैक्टर में 3 बिट्स होते हैं, ए बी सी। यहाँ मैंने सी की जगह से बी इन लिया है, इसका मतलब है बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। और इसके 2 आउटपुट्स होते हैं, डिफरेंस एंड बोरो। तो मैंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लिया है, चेक करते हैं 1 बाय 1। यहाँ मेरे पास 8 पॉसिबल्स के स्टेजेस हैं जिसमें हम डिफरेंस और बोरो निकालेंगे। तो पहले केस में इसमें हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा सब्ट्रैक्ट होके आंसर आएगा उसमें से हम बी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 चलते हैं। पहले मैं अगर ए में से बी को, यानी कि 0 में से 0 को अगर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे पता है 0 बचेगा। अगेन 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो भी 0 आएगा, यानी कि मेरे पास डिफरेंस भी 0 है और मुझे किसी बोरो की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी, सॉरी ये भी 0 होगा। ओके, तो ये दोनों 0 हो गए। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेज है 0 और 0, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक बोरो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में मेरे पास डिफरेंस भी 1 होता है और बोरो भी 1 होता है। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिमिलरली एक बोरो चाहिए मुझे। तो यानी कि मैंने एक बोरो ले लिया, मैंने ऑलरेडी एक बोरो ले लिया है तो मैं उसे यहाँ पे मेंशन कर दूंगी यहाँ, और डिफरेंस भी मेरा 1 ही बचेगा। और अगर मैं 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा आउटपुट 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस भी 1, बोरो भी 1। नेक्स्ट चलते हैं, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फिर से मुझे पता है कि मेरा डिफरेंस भी 1 है और बोरो भी 1 है। डिफरेंस भी मेरा 1 है, बोरो भी 1 है। तो 1 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचा, और यहाँ पे मेरा एक बोरो ऑलरेडी था तो मैं उसे यहाँ पे लिख लूँगी। तो यह मेरा बोरो 1 हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें पता है कि 1 बचेगा। अगेन इस 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है डिफरेंस हमारा 1 होगा, क्योंकि हमें इसमें किसी भी बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये बोरो 0 हो गया। आगे 1 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिमिलरली फिर 1 बचेगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस हमारा 0 ही रहेगा। तो ये हमारा 0 हो गया, बोरो की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें, तो ये बोरो भी हमारा 0 हो गया। आगे चलते हैं, अगेन 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो मेरा 0 बचा, और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो फिर 0 बचा, यानी कि ना मेरे पास कोई डिफरेंस और ना बोरो बचा, यानी कि दोनों 0 हैं। अब फिर से 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 0 बचेगा, और 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे पता है कि मेरा डिफरेंस भी 1 होता है और मेरा बोरो भी 1 होता है इस केस में। तो यहाँ मैंने डिफरेंस और बोरो दोनों ही 1 लिख दिए। तो ये हो गई मेरी फुल सब्ट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल। अभी हम इसकी बूलियन इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद एक लॉजिक डायग्राम इसका बनेगा। तो इसकी बूलियन इक्वेशन अगर लिखनी है तो डिफरेंस और बोरो दोनों के लिए लिखनी होगी। तो डिफरेंस के लिए यहाँ पे मैं जो इक्वेशन लिखूँगी, हमें पता है हमें कैसे लिखनी होती है, जहाँ भी इसके 1 होते हैं हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए बी को देखना है। यहाँ पे हमारे पास 3 है, ए बी बी इन, तो हमें यहाँ तीनों को देखना है और उसके बाद इस बूलियन इक्वेशन को क्रिएट करना है। तो पहले चलते हैं, पहला 1 हमारा यहाँ पे है और यहाँ देख लेते हैं हमारे पास एक 0 है, एक 0 है, एक 1 है। यानी कि 0 को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हम विदाउट बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 1 है तो मैं इसको लिखूँगी ए बार बी बार और बी इन, सिंपल। प्लस लगाएंगे, नेक्स्ट वाले के लिए चलते हैं, यहाँ पे क्या है 0 1 0, यानी कि ए बार बी बी इन बार। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाला मेरा 1 यहाँ है, यहाँ चलते हैं 1 0 0। 1 का मतलब ए बी बार बी इन बार। प्लस आगे चलते हैं, यहाँ मेरा 1 है, यानी कि ए 1 1 1 है तीनों, तो ए बी बी इन, यहाँ कोई बार नहीं है। अब ये हो गई मेरी डिफरेंस की इक्वेशन। अब मैं बोरो की इक्वेशन लिखूँगी सिमिलर। तो यहाँ 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सेम 0 0 1 है, तो यानी कि ये हो गया ए बार बी बार और बी इन, इन पर कोई बार नहीं है। अगली इक्वेशन सेम इसकी तरह ही होगी क्योंकि ये यहाँ पे है, तो मैं लिख लेती हूँ ऊपर से देख के ए बार बी बी इन बार। तीसरा यहाँ 1 है, 0 1 1, इसका मतलब है ए बार बी बी इन प्लस ए बार बी बी इन सेम। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सबसे लास्ट ए बी 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 इन, सिंपल है यहाँ पे। इनकी मेरे पास ये 2 इक्वेशन हो गई है, डिफरेंस और बोरो की। अब इसके थ्रू मैं लॉजिक डायग्राम तो क्रिएट कर सकती हूँ, बट वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, डिफरेंस की इक्वेशन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती हूँ, जितनी ज़्यादा इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सेम बोरो के इक्वेशन को भी हम मिनिमाइज़ करेंगे जितनी मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
तो इसमें मैंने डिफरेंस की इक्वेशन लिख लिया, इसे मिनिमाइज करेंगे। तो मिनिमाइज करने के लिए पहले देखते हैं इसमें कुछ किसी में कॉमन है क्या। तो मैं देख सकती हूँ कि इसमें पहले और लास्ट में अगर मैं बी इन को कॉमन ले लूँ तो मेरा इसमें ए बार बी बार और इसमें ए बी बचेगा। तो यही करते हैं, पहले मैं इन दोनों में कॉमन लेती हूँ। तो मैंने इन दोनों में बी इन को कॉमन लिया है तो मेरा इसमें बचेगा ए बार बी बार प्लस इसमें बचा ए बी, अगर मैंने इन दोनों को इक्वेशन को लिया। प्लस अब मैं इन दोनों में कॉमन लेती हूँ, इन दोनों में मेरा बी इन बार कॉमन है तो मैंने यहाँ पे बी इन बार को कॉमन लिया है। यहाँ बचा मेरा ए बार बी प्लस यहाँ बचेगा मेरा ए बी बार। ओके, अब मैं यहाँ पे यहाँ मुझे सिमिलरली दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है मेरी ये एक्स नॉर की इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है वो मेरी एक्सॉर की इक्वेशन है। ओके, तो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि हमें पता है कि एक्स नॉर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस इसे लिख देते हैं ए एक्सॉर बी। अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स इक्वल टू मेरा बी इन है, यानी जो बी इन है मैंने उसे एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और जो ए एक्सॉर बी है मैंने उसे वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। और मैं इसे रिप्लेस करती हूँ, जहाँ पे मेरा बी इन है वहाँ एक्स रखती हूँ और जहाँ पे मेरा ए एक्सॉर बी है वहाँ पे मैं वाई रखती हूँ। तो पहले केस में मेरा बी इन है यानी कि मैं इसे एक्स रख सकती हूँ सिंपल। दूसरा मेरा ए एक्सॉर बी का बार है तो यानी कि ये मेरे पास ए एक्सॉर बी बराबर वाई था सिंपल। तो क्योंकि इसके इक्वल में सिर्फ वाई है और मेरे पास एक बार भी है तो मैं इसे वाई बार लिख सकती हूँ। ओके, सेम इसी तरह क्योंकि मेरा सिर्फ बी इन को मैंने एक्स माना है तो इसको मैं एक्स बार लिख सकती हूँ, एक्स का बार सिंपल। और ये ए एक्स और बी है, ए एक्स और बी की वैल्यू तो वाई थी, मुझे सिंपल दिख रही है। तो कुछ ऐसे इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि एक्स वाई बार है प्लस एक्स बार वाई है, सिंपल हमें पता है कि इस चीज़ की इक्वेशन है। ये है हमारी इक्वेशन एक्स और बी, एक्स और वाई लिख सकती हूँ। अब मैं इसे वापस से रिप्लेस कर सकती हूँ, जैसे मैंने इक्वेशन में ये वैल्यू दी थी, एक्स को मैंने बी इन लिया था तो मैं इसे बी इन लेने देती हूँ एक्स और, वाई को मैंने ए एक्स और बी लिया था तो मैं इसे ए एक्स और बी लिख रही हूँ। मैंने इसे ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि तीनों एक साथ एक्स और नहीं हो सकते, इसीलिए। ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन है ये मेरी डिफरेंस की इक्वेशन बन गई है, इससे ज़्यादा इसे मिनिमाइज नहीं कर सकते। अब मैंने बोरो की इक्वेशन ले ली है, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। तो इसमें भी देखते हैं क्या कॉमन है। तो मुझे पहले और लास्ट वाले में सेम बी इन कॉमन दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे बी इन को कॉमन लिया, यहाँ बचा ए बार बी बार प्लस ए बी। और इन दोनों में अगर मैं देखूँगी तो मुझे ए बार बी कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ए बार बी को कॉमन ले लेती हूँ तो बचा बी इन बार प्लस बी इन। ओके, अब ये तो सिमिलर है बी इन और इसमें मुझे पता है कि ये मेरा ए एक्सॉर बी है, ए एक्सॉर बी सॉरी ए एक्सनॉर बी है यानी कि ए एक्सॉर बी का बार। प्लस इसमें यहाँ पे क्या है कि ये बी इन बार है प्लस बी इन है तो बी किसी का भी बार को अगर उसके ही उसके साथ ऐड करो तो आउटपुट हमारी वन आती है। अभी इसको सिंपल हम प्रूफ भी कर सकते हैं कैसे, कि अगर मान लो मैंने बी इन को वन ले लिया तो मेरा बी इन बार ज़ीरो हो गया यानी कि ज़ीरो प्लस वन हो गया। अगर मैंने इसे बी इन को वन माना है तो मैंने बी इन की जगह पे वन रखा और इसका बार यानी ज़ीरो, और अगर मैं ज़ीरो और वन को ऐड करूँगी तो वन होगा और वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने ये दोनों प्लस करके वन होगा और मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी ए बार बी के साथ तो वन आ जाएगा, तो सॉरी यही नंबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ए बार बी हो गया यानी कि ये मेरी बोरो की आउटपुट हो गई है। ठीक, अब हम एक फुल सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारी डिफरेंस और बोरो की इक्वेशन मिल गई है। तो हमें पता था कि हमारे तीन इनपुट्स थे, इनपुट्स ले लेती हूँ मैं तीन, ए बी बी एन, और क्योंकि ये मैंने इनपुट ले लिए। अब मुझे पता है कि मेरा ए बी के साथ क्या हो रहा है, एक्सॉर हो रहा है। यानी कि मुझे सिंपल क्या करना है, ए और बी को लेना है और यहाँ पे एक एक्सॉर गेट लगाना है और ये इसका आउटपुट। अभी मुझे ये दोनों मैंने एक्सॉर कर दिए लेकिन मुझे बी इन को भी एक्सॉर करना है इन दोनों के साथ। यानी कि मुझे क्या करना है, इसकी आउटपुट के साथ इसको भी एक्सॉर करके यहाँ पे एक एक्सॉर गेट लगाना है। ये क्लियर हुआ, ये मैंने क्यों किया,
ये मेरा डिफरेंस है। अब ये मेरा डिफरेंस क्यों, एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक को बी के साथ एक्सॉर किया, ठीक है, उसके बाद ए बी का जो आउटपुट आएगा मुझे उसको बी इन के साथ भी एक्सॉर करना है डिफरेंस के लिए। तो ये मेरी डिफरेंस की जो है इक्वेशन कंप्लीट हो गई और ये डिफरेंस के लिए लॉजिक डायग्राम क्रिएट हो गया। अब मुझे बोरो के लिए करना है, तो बोरो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सिंपल सबसे पहले देख सकती हूँ कि ये जो ए एक्स, ये ए, इसे हम ए एक्स नॉर बी भी बोल सकते हैं, ए एक्स और बी का बार भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये एक ए एक्स और बी का बार है, यानी बार करने के लिए हमें क्या करना होता है, नॉट गेट लगाना होता है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ से लेना है, ये मेरा ए बी का एक्सॉर है तो इसकी आउटपुट जा रही है, ये ए बी के एक्सॉर की आउटपुट है, तो मैं यहाँ से इसकी आउटपुट लूँगी और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दूँगी जिससे कि जो मेरी आउटपुट जाएगी वो इसकी बार होके जाएगी। फिर मेरे मुझे लेना है बी इन, यानी बी इन को तो मुझे नॉर्मली लेना है, मैंने बी इन को लिया और क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक एंड गेट लगा दिया। सिमिलर सेम, अभी मुझे क्या करना है, ए बार बी, इसके लिए हो गया मेरा ये। अब मुझे क्या करना है, ए बार बी, ए ए तो मेरा ये रहा और मुझे इसको बार बनाना है, तो सिंपल इसे बार बनाने के लिए क्या करना होगा, एक नॉट गेट लगाना है और बी बी तो नॉर्मली है तो बी को हम नॉर्मली ले लेंगे और क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक एंड गेट लगा देंगे। अब ये तो एंड गेट एंड हो रहा था, लेकिन अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ और हो रही है, यानी कि यहाँ पे ऐड हो रही है, यानी कि ऐड के लिए मुझे एक और गेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इन दोनों की इक्वेशन के बाद लास्ट में एक और गेट लगाऊंगी और ये हो गया मेरा बोरो। सिंपल, और ज़रूरी नहीं